नमस्कार दोस्तों, न्यू लाइफ क्लासेस में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। स्टैटिक जीके का यह हमारा पार्ट टू है। पार्ट वन में हमने भारत के ऐसे कौन से स्थल हैं जो यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किए थे, वह हमने पार्ट वन में किया था। ठीक है, पार्ट टू हमारा है भारत में प्रथम पुरुषों की सूची, जैसे कि प्रथम पुरुष में प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, मुख्य न्यायाधीश कौन थे, शिक्षा मंत्री कौन थे, गृह मंत्री कौन थे, ऑस्कर अवार्ड से विजेता कौन है, मैग्सेसे अवार्ड से विजेता कौन है, भारत रत्न से सम्मानित कौन है, बहुत सारे क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, आप सभी को पता होगा। ठीक है, तो यह सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, यह सारे क्वेश्चन छोटे छोटे एग्जाम्स में तो पूछे ही जाते हैं, और कभी कभी बड़े एग्जाम जैसे CGL तक में आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में मिल जाते हैं। ठीक है, जिससे आपके 2 से 4 नंबर आसानी से पक्के हो जाते हैं अगर आपने पढ़ लिया है तब। तो लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। ठीक है, लास्ट तक वीडियो अगर आप देखेंगे तो सभी क्वेश्चन आप आसानी से समझ पाएंगे, पूरे डिटेल के साथ मैं बताऊंगा। ठीक है, पूरी डिटेल के साथ मैं बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ क्वेश्चन कराते चला जाऊंगा। ठीक है, तो लास्ट तक वीडियो देखिएगा, उसको समझिएगा। और स्टैटिक जीके का मतलब देखिए दोस्तों, ये होता है स्टैटिक जीके का मतलब यह होता है कि आपको अधिक से अधिक बार उसको रिवीजन करना होता है। ठीक है, तो वीडियो बार बार देखिए, या फिर आप क्या कीजिए, उसको कहीं लिख लीजिए और उसको बार बार रिवीजन कीजिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि स्टैटिक जीके के क्वेश्चन डायरेक्ट आपको वहीं हूबहू क्वेश्चन वही आपको मिलते हैं। ठीक है, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं रहता, और अगर आपने वह पढ़ लिया है, पढ़ा हुआ है, तो आप कर ले जाएंगे आसानी से। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें पहला ही क्वेश्चन हमारा है, भारत में प्रथम पुरुषों की सूची में अगर बात की जाए तो पहला ही हमारा क्वेश्चन है कि भारत के दर्शन करने वाले में पहला तीर्थ यात्री कौन था, तो वह था मेगस्थनीज। मेगस्थनीज सबसे पहले भारत आया हुआ था, यह सीरिया से आया हुआ था 302 ईसा पूर्व में, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड में। ठीक है, नेक्स्ट, भारत के दर्शन करने वाला पहला चीनी तीर्थयात्री कौन था, चीन से आया हुआ तीर्थयात्री था, वह फाहयान था। ठीक है, 399 ईसा पूर्व में। वेनसांग आया हुआ था हर्षवर्धन के टाइम पीरियड जब चल रहा था, ठीक है, छठी या सातवीं शताब्दी में। फाहयान आया हुआ था चंद्रगुप्त के टाइम पीरियड में, ठीक है, 399 ईस्वी में। ठीक है, बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे, राज्यपाल का यहाँ पर तात्पर्य है गवर्नर से, तो वह थे लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव 1758 ईस्वी में। इंग्लैंड से यह थे जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का शासन भारत पर चल रहा था, उस समय की बात है। तो बंगाल के गवर्नर थे रॉबर्ट क्लाइव, इन्हीं के टाइम पीरियड में आपका प्लासी का युद्ध भी हुआ था। ठीक है, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन बने, वारेन हेस्टिंग्स। 1773 का जब रेगुलेटिंग एक्ट आया, उस समय मद्रास और बम्बई जो था उसको भी बंगाल में मिला दिया गया, और जो मद्रास और बम्बई जो था उनके भी गवर्नर को पूरे मिला करके बंगाल प्रांत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक है, और वह पहले कौन बनाए गए, वारेन हेस्टिंग। तो यह 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसके आधार पर यह कहा जाने लगा, वह थे वारेन हेस्टिंग, जिन्हें कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बने, लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 में। ठीक है, इंग्लैंड से ही यह भी थे। इंग्लैंड का दौरा करने वाले पहले भारतीय कौन थे, राजा राम मोहन राय। 1832 ईस्वी में इन्होंने इंग्लैंड का दौरा किया था, कलकत्ता ब्रिटिश भारत, अब जो उस समय जो था अब कोलकाता कहा जाता है, तो इनका जन्म जो था कोलकाता में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग। जब आपका 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, तो उस समय लॉर्ड कैनिंग जो था गवर्नर जनरल था। ठीक है, लेकिन जब 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जब ख़त्म हुआ, तो 1858 में इलाहाबाद में घोषणा हुई, ठीक है, विक्टोरिया के द्वारा, और उन्हीं के द्वारा अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त करके अब क्राउन शासन चलाने लगा। ठीक है, ब्रिटेन का जो क्राउन था वह शासन चलाने लगा, और साथ ही साथ उनके द्वारा एक प्रतिनिधि भेजा जाने लगा जो यहाँ पर शासन चलाता था उन्हीं के द्वारा, और उसी को वायसराय कहा जाता था। तो अब
गवर्नर जनरल की पोस्ट को ख़त्म कर दिया गया और वायसराय बना करके भेजा गया लॉर्ड कैनिंग को, जो कि गवर्नर जनरल था। लेकिन गवर्नर जनरल के पोस्ट को ख़त्म कर दिया गया तो प्रथम वायसराय भी कौन बन गया? लॉर्ड कैनिंग 1858 में। ठीक है, प्रथम ICS कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर 1863 में, यह कलकत्ता से थे। भारतीय उच्च न्यायालय का प्रथम न्यायाधीश कौन थे? जस्टिस सैयद मोहम्मद 1878। ठीक है, इस समय बांग्लादेश में है, क्योंकि उस समय पाकिस्तान और भारत एक ही थे। बांग्लादेश कैसे बना है? ठीक है, बांग्लादेश बना है पाकिस्तान से ही अलग होकर के, तो उस समय भारत पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था, तो यह बांग्लादेश से थे। भारत के प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी जो थे वह राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे प्रथम। 1885 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, 1885 में 28 दिसंबर 1885 को ही कांग्रेस की स्थापना भी हुई थी, और प्रथम अधिवेशन में इनको अध्यक्ष चुना गया था, व्योमेश चंद्र बनर्जी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन के हाउस ऑफ कांग्रेस के पहले सदस्य कौन थे? दादा भाई नौरोजी। 1892 में इन्हें ब्रिटेन के हाउस ऑफ कांग्रेस का सदस्य चुना गया। ठीक है, पहला भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता, पहले भारतीय कौन थे जो कि नोबेल पुरस्कार को प्राप्त किए? वह थे रविन्द्रनाथ टैगोर। 1913 ईस्वी में इनको नोबेल प्राइज मिला साहित्य का, और गीतांजलि पुस्तक के लिए इनको मिला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला भारतीय पायलट वह थे JRD टाटा। ठीक है, पेरिस फ्रांस में इन्होंने यह उड़ाया था 1929 ईस्वी में। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? अगर प्रथम व्यक्ति के बारे में पूछा जाए, भारतीय व्यक्ति, तो वह थे रविन्द्रनाथ टैगोर। लेकिन पहला वैज्ञानिक अगर पूछ लिया जाए आपसे, ऑप्शन परीक्षा में देखिएगा कि क्वेश्चन कैसे आता है। ठीक है, आपको क्वेश्चन ध्यान से देखना चाहिए, तो पहला अगर व्यक्ति पूछे तो रविन्द्रनाथ टैगोर, लेकिन नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक का नाम पूछे तो CV रमन। ठीक है, भौतिकी के लिए इनको मिला था 1930 ईस्वी में, यह तमिलनाडु से थे। CV रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन, ठीक है, इनको भौतिकी का नोबेल मिला था फिजिक्स में 1930 ईस्वी में। प्रथम भारतीय ध्वनि फिल्म निर्देशक यह थे अरदेसीर ईरानी। आलम आरा के लिए इनको मिला था 1931 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पहली स्वदेशी रंगीन फिल्म के निर्देशक कौन थे? तो पहली स्वदेशी रंगीन फिल्म जो थी उसके निर्देशक थे मोती बी द्वारा निर्देशित किसान कन्या। ठीक है, 1937 में यह फिल्म बनी थी। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो प्रथम शिक्षा मंत्री बनाए गए थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1947 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रथम गृह मंत्री बनाया गया था। प्रथम प्रधानमंत्री बने थे और विदेश मंत्री दोनों बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, लेकिन गृह मंत्री का पदभार संभाल रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1947 में ही इनकी यह बने थे, और इनका जन्म गुजरात में हुआ था। एयर स्टाफ के पहले चीफ कौन थे? एयर मार्शल सर थॉमस एलमहर्स्ट। 1947 में इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था। भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो पहले वित्त मंत्री थे RK शनमुखम चेट्टी। 1947 में कोयम्बटूर तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री दोनों का पद सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास था। ठीक है, इनका जन्म गुजरात में हुआ था। और विदेश मंत्री और साथ ही साथ प्रधानमंत्री का पद किसके पास था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास। ठीक है, भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? भीमराव अंबेडकर। मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था, यह तो सभी को पता होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले गवर्नर जनरल, आज़ादी के बाद भारत के पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड लुइस माउंटबेटन 1947 में। लेकिन स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल के बारे में अगर बात की जाए तो वह सी राजगोपालाचारी थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जिनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था। 1948 में यह गवर्नर जनरल बने थे, और जब हमारा संविधान लागू हो गया तो
तो गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया और राष्ट्रपति का पद सृजन किया गया। ठीक है, भारतीय स्थल सेना के प्रथम सेनापति सभापति जनरल कौन थे? के एम करियप्पा। इनका जन्म कर्नाटक में हुआ था। 1949 ईस्वी में इनकी नियुक्ति हुई थी। भारतीय गणराज्य के पहले राष्ट्रपति कौन चुने गए? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1950 ईस्वी में यह चुने गए थे और इनका जन्म बिहार में हुआ था। यह बिहार से थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? वह थे सुकुमार सेन। सुकुमार सेन जो हैं प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। 1950 ईस्वी में इनकी नियुक्ति हुई थी और इनका जन्म बंगाल में हुआ था। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो मुख्य न्यायाधीश थे न्यायमूर्ति हीरालाल जे कानिया। 1950 में इनकी नियुक्ति हुई थी। स्टालिन पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय कौन थे? सैफुद्दीन किचुली। 1952 में अमृतसर पंजाब में इनका जन्म हुआ था। स्वतंत्र भारत के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले उपाध्यक्ष या फिर कहें कि स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, 1952 में इनका जन्म भी तमिलनाडु में हुआ था। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। 1952 में इनकी नियुक्ति हुई थी लोकसभा अध्यक्ष में। इनका जन्म बड़ोदरा गुजरात में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे? तो तीन लोगों को एक साथ 1954 ईस्वी में ही भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। लेकिन अगर ऑप्शन में आपको सिर्फ एक ही दिया हुआ है, ठीक है, आपको सिर्फ एक चूज करना है, तो आप चूज करेंगे कौन सा? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, सबसे पहले सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला था। ठीक है, लेकिन वर्ष क्योंकि एक ही वर्ष दिया गया था तीनों लोगों को, तो आपको तीनों विकल्प में मिल जाएंगे। तीनों में से एक आपको अगर चूज करना रहेगा तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आप बेहिचक चूज करेंगे। ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म तमिलनाडु में हुआ था। सिराज गोपालाचारी को भी मिला था 1954 में ही। ठीक है, इनका जन्म भी तमिलनाडु में हुआ था। सी वी रमन, जिनको कि नोबल प्राइज भी मिल चुका था 1930 में भौतिकी के लिए, और ये प्रथम वैज्ञानिक थे भारत के जिनको कि नोबल प्राइज मिला, इनको भी 1954 में ही भारत रत्न प्राप्त हुआ। ठीक है, तो इन तीनों लोगों को 1954 में भारत रत्न पुरस्कार मिला और ये प्रथम भारतीय थे तीनों लोग। ठीक है, लेकिन अगर आपसे ऑप्शन में सिर्फ एक चूज करने को कहा जाए तो आप बेहिचक सर्वपल्ली राधाकृष्णन चूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के पहले वायुसेना अध्यक्ष कौन थे? एयर मार्शल एस मुखर्जी। 1954 में यह चुने गए थे, कलकत्ता में इनका जन्म हुआ था। भारत के थल सेनाध्यक्ष कौन थे? जनरल एम राजेंद्र सिंह। 1955 में यह चुने गए थे, कटियावार में इनका जन्म हुआ था जो कि अब गुजरात में है। भारत के प्रथम व्यक्ति कौन था जिसने इंग्लिश चैनल तैर करके पार किया था? वह थे मिहिर सेन। ठीक है, इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाला प्रथम तैयारा कौन था? मिहिर सेन। ठीक है, महिलाओं में आरती साहा हैं, महिलाओं के बारे में भी मैं पढ़ाऊंगा जब, तो उसमें डिटेल से हम लोग बात करेंगे। 1958 में इन्होंने यह कार्य किया था। भारत के नौसेना के पहले नौसेनाध्यक्ष कौन थे? वाइस एडमिरल आर डी कटारी। 1958 में इनकी नियुक्ति हुई थी। इनका जन्म भी तमिलनाडु में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। रमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे को यह पुरस्कार प्रथम बार मिला था। ठीक है, पहले भारतीय यह थे जिनको कि यह पुरस्कार मिला, आचार्य विनोबा भावे। 1958 ईस्वी में यह पुरस्कार इनको मिला था और इनका जन्म रायगढ़ में हुआ था। ठीक है, रमन मैग्सेसे पुरस्कार इस वर्ष किसको मिला है? तो वह एनडीटीवी के जो पत्रकार हैं रवीश कुमार, उनको मिला है। तो यह क्वेश्चन भी आपको इम्पोर्टेंट है, पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का दौरा करने वाला पहला ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हैरोल्ड मैकमिलन थे। 1958 ईस्वी में इन्होंने भारत का दौरा किया था और यह पहले ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे। जब भारत स्वतंत्र हुआ तब इन्होंने दौरा किया था 1958 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व बिलियर्ड्स ट्रॉफी जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? विल्सन जोन्स। 1958 ईस्वी में इन्होंने यह कार्य किया था। भारत का दौरा करने वाला पहला अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था?
तो पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जिन्होंने भारत का दौरा किया वह थे ड्वाइट डेविड आइजनहावर। आइजनहावर आप लोग याद कर लीजिए, आइजनहावर जो थे वह पहले अमेरिकी राष्ट्रपति थे जिसने भारत का दौरा किया। 1959 ईस्वी में इन्होंने यह किया था। भारत के प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन है? तो साहित्य में यह पुरस्कार दिया जाता है, बहुत बड़ा सम्मान है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित जी शंकर कुरूप हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले कौन थे हिंदी साहित्य में, तो हिंदी साहित्यकारों में सुमित्रा नंदन पंत को यह पुरस्कार मिला था, ठीक है। लेकिन अगर पूरा मिला करके अगर देखा जाए तो भारत के प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित साहित्यकारों में सभी लैंग्वेज को मिला दिया जाए तो जी शंकर कुरूप को यह पुरस्कार मिला था 1965 में, जो कि केरल राज्य से हैं। माउंट एवरेस्ट पर दो बार चढ़ने वाले पहले पुरुष कौन है? नवांग गोम्बू जो हैं वह दो बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। 1965 में यह काम इन्होंने किया था, ठीक है। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है? तो भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन जी हैं। 1967 में राष्ट्रपति बने थे यह, और इनका जन्म हैदराबाद में हुआ था जो कि तेलंगाना में है, तेलंगाना की राजधानी है इस समय हैदराबाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेडिकल साइंस के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय मूल के पहले वैज्ञानिक कौन है? डॉक्टर हरगोविंद खुराना, जो कि भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक हैं, ठीक है। अमेरिका में इस समय रहते हैं, मतलब रहते थे। 1968 में इनको यह नोबेल प्राइज मिला हुआ था। रायपुर पंजाब में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। कार्यालय में मरने वाले पहले मुख्यमंत्री कौन थे? C.N. अन्नादुराई। 1969 में इनकी मृत्यु हुई थी। यह पहले मुख्यमंत्री थे जो अपने कार्यालय में ही मृत्यु इनकी हुई थी। कांचीपुरम तमिलनाडु से यह थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कार्यालय में ही मरने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो वह थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो कि भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति भी थे। 1969 में ही इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। यह तेलंगाना हैदराबाद से थे। फील्ड मार्शल कौन थे? प्रथम फील्ड मार्शल थे जनरल F.S. Manekshaw 1971 में, ठीक है। मानेकशॉ आप लोग याद कर लीजिए, अगर पूरा नाम नहीं याद होता तो मानेकशॉ आप लोग याद कर लीजिए। मानेकशॉ जो थे प्रथम फील्ड मार्शल थे। फील्ड मार्शल जो होते हैं उनको 5 स्टार लगा रहता है, ठीक है। यहाँ पर 5 स्टार लगा रहता है, ठीक है। और वैसा सिर्फ 2 ही बार हुआ है जिनको कि फील्ड मार्शल की उपाधि मिली है, ठीक है। जनरल के बाद फील्ड मार्शल ही बनते हैं, थल सेना अध्यक्ष के ऊपर का ओहदा होता है फील्ड मार्शल का, ठीक है। 1971 में इनको यह फील्ड मार्शल बनाया गया था। भारत के प्रथम सिख राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह, इंदिरा गांधी की सरकार थी उस समय, ज्ञानी जैल सिंह 1982 ईस्वी में प्रथम सिख राष्ट्रपति यह थे। 1982 ईस्वी में यह राष्ट्रपति बने थे। इनका जन्म पंजाब में हुआ था। ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? शेरपा फू दोर्जी, ठीक है, जो कि 1984 ईस्वी में इन्होंने यह कार्य किया था। भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? राकेश शर्मा। रूस का अंतरिक्ष यान जा रहा था, उसी में यह राकेश शर्मा भी गए थे, और राकेश शर्मा ने ही कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा अंतरिक्ष से ही, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा वर्ड इन्होंने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के पहले भारतीय न्यायाधीश कौन थे? डॉक्टर नागेंद्र सिंह। 1985 ईस्वी में यह चुने गए, राजस्थान में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी व्यक्ति कौन थे? तो खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है, जो कि स्वतंत्र सेनानी भी थे। 1987 ईस्वी में इनको यह सम्मान दिया गया। पाकिस्तान में यह चले गए थे, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो यह पाकिस्तान में चले गए थे, लेकिन यह स्वतंत्रता सेनानी थे। भारत को आज़ाद कराने में इनकी बहुत बड़ी योगदान था, इसीलिए इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो बहुत ही जाने माने यह व्यक्ति थे, खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। तो यह भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी थे। और नेल्सन मंडेला को भी भारत रत्न मिला हुआ है, जो कि साउथ अफ्रीका से हैं, ठीक है। गांधी जी के विचारों पर वह चलते थे, ठीक है। तो यह बातें आपको जानना आवश्यक है। दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचने वाला पहला भारतीय कौन था? कर्नल I.K. बजाज। 1989 में इनको यह उपलब्धि हासिल हुई, दक्षिणी ध्रुव तक यह पहुंचे थे 1989 में।
इनका जन्म पंजाब में हुआ था। ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष कौन थे? सत्यजीत रे। सत्यजीत रे को ऑस्कर अवार्ड मिला हुआ था, ठीक है, 1992 ईस्वी में। ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित और कौन कौन से भारतीय हैं? तो आपके मिल चुका है किसको, गुलजार जी को मिल चुका है, ठीक है, और साथ ही साथ एआर रहमान जी को भी मिल चुका है। जय हो जो सॉन्ग था उसके लिए, स्लम डॉग मिलेनियम में जो उन्होंने सॉन्ग गाया है उसके लिए उनको मिल चुका है, ठीक है। तो यह बातें आपको जानना जरूरी है। अर्थशास्त्र में पहला नोबल भारतीय कौन है जिसको नोबल पुरस्कार मिला? अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन वह पहले अर्थशास्त्री थे, भारतीय अर्थशास्त्री, जिनको कि नोबल पुरस्कार मिला। अभी हाल ही में 2019-20 में अभी मिला है किसको, अभिजीत बनर्जी को। अभिजीत बनर्जी को मिला है जो कि पश्चिम बंगाल से हैं, ठीक है। तो यह बातें भी आपको जानना है, करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो दूसरे अर्थशास्त्री बने हैं अभिजीत बनर्जी, जिनको कि नोबल पुरस्कार मिला है अर्थशास्त्र में। इनको मिला था 1998 ईस्वी में। इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है, ठीक है। इनका जन्म भी कोलकाता में हुआ था। पहला भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक कौन थे? संतोष जॉर्ज, 2008 में। इनका जन्म केरल में हुआ था। रसायन विज्ञान में नोबल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय मूल के पहले वैज्ञानिक कौन थे? वेंकट रमन रामकृष्णन, 2009 ईस्वी में इनको यह नोबल प्राइज मिला, ठीक है, वेंकट रमन रामकृष्णन को। इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। शांति में नोबल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन है? शांति का नोबल पुरस्कार मिल चुका कैलाश सत्यार्थी को 2014 ईस्वी में। मलाला यूसुफजई जो कि पाकिस्तान से हैं और कैलाश सत्यार्थी, दोनों को एक साथ 2014 में मिला था, ठीक है, नोबेल प्राइज। और इनका जन्म, कैलाश सत्यार्थी का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था, ठीक है। तो कैलाश सत्यार्थी का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था, 2014 ईस्वी में इनको नोबेल प्राइज मिला था मलाला यूसुफजई के साथ। भारत रत्न पाने वाले पहले खेल व्यक्ति कौन है? तो ऐसे कौन से खिलाड़ी हैं, पहले खिलाड़ियों को नहीं दिया जाता था, तो पहले खिलाड़ी कौन है जिनको कि भारत रत्न से सम्मानित किया गया? सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर को 2014 में मिला था जब यह रिटायरमेंट लिए, ठीक है। सचिन तेंदुलकर ने ओडीआई और T20 से बहुत पहले ही संन्यास ले लिया था। जब टेस्ट क्रिकेट से इन्होंने 2014 में संन्यास लिया तो उसके बाद इनको भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की गई। बहुत ही विवाद हुआ था, कुछ लोगों का मानना था कि मेजर ध्यानचंद को दिया जाए, ठीक है, हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं, हॉकी के बहुत ही विश्व स्तरीय खिलाड़ी हैं मेजर ध्यानचंद, ठीक है, और कुछ लोगों का मानना था कि नहीं, सही है, सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान हैं, बहुत सारे रन बनाए हैं, बहुत अनगिनत रिकॉर्ड इनके नाम है, चाहे टेस्ट में बहुत अधिक रन की बात हो, बहुत ज़्यादा शतक की बात हो, ठीक है, सबसे अधिक शतक, सबसे अधिक रन, ओडीआई में, वनडे में भी सबसे अधिक रन, सबसे अधिक शतक, ठीक है, सबसे अधिक चौके लगाने की बात हो तब भी, ठीक है। T20 में वैसे कुछ खास इन्होंने T20 खेला नहीं है, ठीक है, 100 अंतर्राष्ट्रीय शतक इनके नाम दर्ज हैं, ठीक है, तो बहुत विवाद रहा लेकिन अंत में इनको भारत रत्न दिया गया और वह एकमात्र खिलाड़ी अभी तक हैं जिनको कि भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो वह सचिन तेंदुलकर ही हैं, पहले व्यक्ति भी हैं और अभी तक के एकमात्र व्यक्ति हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, और भी क्वेश्चन हैं, अभी के लिए फिलहाल इतने ही क्वेश्चन हैं, ठीक है। और स्टैटिक जीके के पार्ट 3 में हम बात करेंगे भारत में प्रथम महिलाओं में कौन कौन से लोग थे, ठीक है। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं लाता रहता हूँ, एजुकेशनल वीडियो जो कि आपके किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों तो उसके लिए आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।